हक जो छीन के जो है माइनॉरिटीज को देंगे? अरे छीनने का सवाल नहीं, उसमें ये प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन ऑफ एससी एसटी इस हिसाब से देते हैं, उनका छीन के इनको कैसा दे सकते हैं? हाँ, मतलब जो भी असेंबली और पार्लियामेंट सीट आज जिला पंचायत सभी में क्या है, रिजर्वेशन प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन है, उस प्रोपोर्शनेट देते हैं, और एमपी सीट, एमएलए सीट, जिला पंचायत अध्यक्ष, म्यूनसिपालिटी, वो भी प्रोपोर्शनली करते हैं। इनका छीनने का कहाँ गया अभी? अब जो स्टेट रहती है, स्टेट वाले वहाँ के जनसंख्या के आधार पर वो हर स्टेट रिजर्वेशन देता है, तो हमारा छीन के उनको देने का कहाँ से आया? ये लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री 45 घंटे के उपवास पर बैठे हैं जो कन्याकुमारी के अंदर, आपकी पार्टी ने इस पे आपत्ति भी जताई है, क्या 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 आप लोगों की आपत्ति है और जो है क्या आपका इसके ऊपर रिएक्शन? देखो, हम पॉलिटिक्स करते हैं ना, जब राजनीति में आते हैं, राजनीति में धर्म को और राजनीति को एक जगह नहीं लाना चाहिए, उसको अलग अलग करना चाहिए। एक धर्म का आदमी तुम्हारे साथ हो सकता है, दूसरे धर्म का आदमी तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है, इसीलिए ये धर्म के भावनाओं को चुनाव से वोट से जोड़ना ये गलत है। और इलेक्शन कमीशन खुद ये कही है, और उन्होंने खुद गए हैं कौन अपने मोदी जी कि ये लाना नहीं, ये नहीं करना, ये सब पहले बोले हैं भाषण में, लेकिन आज वो जाकर गोवा में जाके कन्याकुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक कर रहे, इससे अब 2000-4000 कितने पुलिस 10,000 तक वहां पर लोगों को लगा रहे ड्यूटी, कितना देश का पैसा खराब हो रहा है। और उन्होंने ये जा रहे हैं कि वो अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या चलते गए वहां पर फ्लाइट में ही है ना, और इनके पीछे 2-4 फ्लाइट, हजारों गाड़ियां, हजारों पुलिस, इसका खर्चा कौन देगा? कोड ऑफ कंडक्ट एक तरफ है, और एक तरफ आप ध्यान करने के लिए विवेकानंद रॉक में जाके बैठने का जो दिखावा कर रहे हैं, इससे देश का उल्टा नुकसान होता है, कोई फायदा? अगर आपको भगवान के इसमें श्रद्धा है तो घर में बैठ के करो ना, वहां पर तो आपको नहीं लगेगा खर्चा, 10,000 पुलिस नहीं लगेंगे, और इतने विमान का जाना आना नहीं लगेगा, और ये सब चीजें नहीं, तो आप अपने पार्टी से भर्ती करो, नहीं तो खुद उसको खर्चा उठाओ।